मैं आपको एक किस्सा सुना, स्पोर्ट्स कार खड़ी थी रेड कलर, खुदा की तो उसने कहा कि मैं भी वाटर कूलर लगवा रहा हूँ, वो मेरी इतनी सी हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मजे में होंगे, एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। पहली बात तो माजरत के थोड़ी सी रेगुलरिटी ये हुई पड़ी है कि पिछला एक दिन पहले एक ऑफ हो गया और एक दिन कल का ऑफ हो गया। सिर्फ एक एक छुट्टी आपके भाई ने की है क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत यू नो थोड़ी तबीयत भी नासाज हुई थी, थोड़ी मसरूफियत भी ऐसी हुई थी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि डेली बेसिस पे व्लॉग्स आए। अगर कभी कभार हो गया तो एक आध दिन ऑफ होगा, सिर्फ एक दिन, इससे ज्यादा हम गैप कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे ही बनाएंगे क्योंकि आप सबका प्यार बड़ा इमेंस आ रहा है। हमारा डे बाय डे रिस्पॉन्स अच्छा हो रहा है, डे बाय डे हमारे यू नो सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब फैमिली स्ट्रांग हो रही है और इसको हमने आगे मजीद बहुत स्ट्रांग करना है क्योंकि आगे बहुत मजे मजे के व्लॉग्स आ रहे हैं और हमारा ट्रेवल भी आ रहा है इंटरनेशनल। खैर आज का व्लॉग मैं सोचा था क्या करूं, तो आज मैंने एक बड़ा मजे का एक प्लान, एक गेम प्लान की हुई है अम्मी और अर्श। अम्मी का तो सबको पता है, अर्श का भी सबको पता है, अर्श मेरी बहन है, अम्मी वालदा है, इन दोनों के साथ बैठ के मैं करूंगा कि हु नोज मी बेटर। तो देखते हैं, जरा शुगर लगाते हैं कि अम्मी को ज्यादा मेरे बारे, क्योंकि अर्श देखें ऑब्वियसली सी बात है माँ को ज्यादा पता होता है, लेकिन अर्श बड़ी तेज है। अब देखते हैं कि अम्मी ज्यादा मेरे गेस्ट कर पाती हैं या अर्श कर रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी रेडी हैं? मैंने आपको गेम तो अम्मी को थोड़ी समझाने की कोशिश की, समझ आई है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आपने कुछ सवाल पूछे? तैयार है? ठीक है अम्मी, माँ है आपको ज्यादा पता होना चाहिए ये बात, ये सोच लें, ये ना हो गई जीत जाए, ये है बड़ी तेज। चले देखते हैं, चलाओ जी। वैसे मुझे, मैं हार के भी समझो मेरी जीत ही होगी क्योंकि बच्चे अगर जीत जाए माँ से अभी ये तो बड़ा फिल्मी डायलॉग मारा है अभी ने। मैं भी कहूँ मेरे में ये फिल्मी डायलॉग्स ना कहाँ से आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। चलाओ। अच्छा से व्हाई यू लुकिंग सो अगली As always, है मैं क्यों, हम इतने क्लासी माँ बेटा, व्हाई शी सो मैली? ये कुछ ज्यादा ही मुहर्रम मना रही है मुझे लगता है। चला जल्दी यार। अच्छा भाई मैं तो पहले सवाल लिख लूँ, थोड़ा मैंने पेन पेपर पकड़ा है कि ये ना हो कि मैं ही भूल जाऊँ, जो जो सवाल है मैं पूछ के लिख लेता हूँ, आगे उनके क्वेश्चंस लिखता हूँ सारे ताकि मैं भूल ना जाऊँ व्हाइल मेकिंग द व्लॉग। गलत बोली जा रहा हूँ यार। अच्छा जी मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, नोट डाउन कर ली है, तो चले रेडी, आर यू रेडी गर्ल्स? रेडी जी। चले फिर देखते हैं। अम्मी आप मुझे लगता है कि सवालों के जवाब नहीं सही दे पाएंगे, मुझे लग रहा है। चलो जी ये आ जाओ अर्श। A few moments later. इधर हम आ गए हैं व्लॉग बनाने। भाई साहब ये क्या है, ये आपका ऑफिस है? अच्छा थोड़ा एलोबरेट करें, क्या बात है इंशाल्लाह, क्या अच्छा ऑफिस और ऐसे काम करूंगा। ओ गुड यार, आन का ऑफिस चेक करें जी, वाह वाह ठीक है। और मेहमद आपका पार्टनर है ऑफिस में? जी। चले ठीक है, गुड हो गया। चले जी आप ब्लॉग शुरू करते हैं। रेडी गर्ल्स? लेट्स गो। क्या कह रही थी तुम पहले? मैं आपको कह रही थी कि हम अगर सवालों के सही जवाब देंगे तो हमें मिलेगा। अभी क्या? गेम शुरू नहीं हुई, लालच पहले हो गया, पहले सवाल के जवाब तो दें। अम्मी जी रेडी? ठीक है कर लेंगे, मुझे लगता नहीं क्योंकि अम्मी प्यार तो बहुत करती है हर चीज, लेकिन अम्मी को इतना पता नहीं है मेरे बारे में, शायद मेरे लिए भी सरप्राइज हो जाए कि अम्मी को पता है मेरे बारे में। पहला सवाल है जी, बड़ा आसान, पहले आसान से स्टार्ट कर रहा हूँ। माई फेवरेट पाकिस्तानी डिश? मैं उनको तो नहीं तो ये अच्छा, तुम्हारा ये हमें यही है बिरयानी। एक बताएं, एक बताएं। निहारी? अभी क्योंकि निहारी ऐसी चीज है, निहारी और नान। ठीक है निहारी ऐसी चीज है कि मैं बड़ा ठीक है, आई एम बिग फूडी, मुझे बड़े बड़े डिफरेंट रेस्टोरेंट में मैं बाय नुसरत भी हम लोग गए, लेकिन निहारी ऐसी चीज है कि आई कैन ईट एनी टाइम एवरी टाइम। बिरयानी सेकंड पे, लेकिन अम्मी जीत गई है। मैंने दोनों पहले, लेकिन नहीं एक अम्मी का परफेक्ट था। अच्छा ये दोनों को नहीं पता होगा, माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, ऑल टाइम, ये तो मुझे बताओ, बताओ ऑल टाइम सॉन्ग जो मुझे वैसे सुनती मैं हूं जब के साथ 24 घंटे होते। अच्छा क्योंकि मैं सॉन्ग इतने सुनती नहीं हूं
तो मुझे भी सॉन्ग का नहीं पता, तो अच्छा चले आप लोगों के लिए सॉन्ग कर, आजकल कौन सा मेरा फेवरेट सॉन्ग है? अच्छा मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है अभी चन्ना मेरिया, चन्ना मेरिया मेरे अच्छा। अब ये भी शायद पता उनको, माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन दुबई। हाँ जी मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो फिर अम्मी जीत गई, अम्मी ने सही जवाब दिया तो मैं तो जवाब ही जीत गई, अम्मी जीत गई, दो हो गए, 2-1 अम्मी ने सही बता दिया। ये भी दोनों का मसला होगा, फेवरेट कलर कौन सा मेरा? रेड पसंद है, डिफरेंट कलर रेड पसंद है, रेड या फिर कहीं भी पसंद है। रेड कलर रेड ही हमजा का, आपका रेड ही। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपने, हमजा मैं ना एक किस्सा सुनाती हूँ। हमजा था कोई 6 साल का था, इतना ही होगा 6-1 साल का। तो मेरी एक फ्रेंड ने, पुरानी बात है तो तब इतना ज्यादा ये चूड़ियां और इतने रश नहीं होते थे, कहीं कहीं चूड़ियां लगती थी। तो मेरी कजन फ्रेंड ने मुझे कहा कि अब आना मेरे स्टॉल पे, तब नया नया बना था हफीज सेंटर, तो उसके आगे मैंने चूड़ियां लगाई। मैं हमजा को लेके तो वहां चले गए हम, तो मैंने थोड़ी देर बाद हमजा मुझे ना खींच रहा है, मामा कम। तो मैंने हमजा को कहा कि कहाँ जाना है, मैं इसके साथ चली गई। मैंने कहा, कहता है आई वॉन्ट कार। मैंने कहा ओके। मैं जब गई, मैंने कहा इसको मैं कार लेके देती हूँ, मैंने कहा कोई चॉइस इसको पसंद आया होगा। तो जब मैं गई तो वहां पे स्पोर्ट्स कार खड़ी थी रेड कलर, खुदा की कसम रेड कलर की। तो कहता है आई वॉन्ट दिस। तो मैंने बड़ा इसको प्यार करके कहा कि अच्छा इंशाल्लाह मैं तुम्हें ले दूंगी ले दूंगी। तो कहना तो फौरन मान लेता था, तो इसलिए मैंने रेड कलर का है, रेड कलर की थी। और एक वक्त वो आया जब ये बड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको स्पोर्ट्स कार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी और आज से कोई 10 साल पहले थी, और दो, दो करोड़ की चूड़ा कोई नहीं यार। अच्छा जी, अम्मी सही कह रही है, पहले मेरा कलर होता था फेवरेट रेड, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यूजुअली नाउ दी मसन सिंस लॉन्ग, अभी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पहनना बहुत अच्छा लगता है। वैसे रेड ही था, सही थी उस वक्त के हिसाब से, तो ये भी पॉइंट, हाफ पॉइंट अम्मी को भी दे देते हैं। ठीक है, तुम्हारा कितने पॉइंट है मुझे वैसे पता नहीं है। अच्छा ये भी आसान है, फेवरेट रेस्टोरेंट इन लाहौर? हलाल। तुम बताओ। मैंने पहले वैसे यही बोला था, अब तुम्हें तो बोला ही नहीं कुछ। मैंने बोला हमजा, इन चीजों का तो सारे घर को पता है जो तेरी पसंद है। ये दोनों का एक पॉइंट हो गया। अच्छा जी ये बता दे, ये अम्मी नहीं बता सकेंगी, मेरी ड्रीम कार कौन सी है? शुक्र चुप, तुम्हें बता है, तुम बता दे मेरी ड्रीम कार जो मैं लेना चाहता हूँ। मुझे बताया, मैंने बोला नहीं। अच्छा इसका, अच्छा पहले इनका, पहले इनसे करवा दे फिर यान बताएगा। बता, दूसरी नहीं, वो जो तुम्हें भी पसंद है उधर देख के बताओ, उधर देख के बताओ, अर्श तुम, अर्श को भी पता था, ये अर्श को भी जाएगा क्योंकि अम्मी को नहीं पता था। अच्छा ये बता मेरा फेवरेट परफ्यूम कौन सा? अच्छा थॉमस को स्माला नंबर 4 में आजकल यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है क्रीड वेंटस, जो मुझे अम्मी ने अच्छा जी अर्श ये भी गलत होगी। अम्मी फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड बताए मेरा, दोनों में से कोई था एक वक्त में, अभी नहीं। गुची या एलवी या ज़ारा, ये तीन ही है। बताओ बेलमन, नहीं नहीं बेलमन की चीजें लेता हूँ। अच्छी सोच, बैलेंसियागा यार, क्या यार तुम अभी बैलेंसियागा के शूज पहने हुए हैं, देखिए दोनों। अच्छा एक बताए मेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन है, कोई लड़की मेरी कौन सेलिब्रिटी क्रश है जो मुझे मार ही ना पड़ जाए? बताया तो ऐसी की तैसी के बारे में मुझे नहीं कुछ। अम्मी ने कभी साथ दिया इस मामले, कभी भी नहीं। बता कौन है मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? अच्छा दे दे, पहन दे
अम्मी सबके ही होता है यार, मेरा भी स्पेशल क्रश सेलिब्रिटी क्रश जिसके साथ गाना बनाया वो पसंद है। ओह नहीं कैटरीना कैफ। यस यू कैन से कैटरीना वंस अपॉन अ टाइम, बट करीना इज ऑल टाइम। करीना इज ऑल टाइम। करीना करीना कपूर नहीं, मुझे आलिया पसंद है। करीना कपूर जी। अच्छा अच्छा करीना लाइक ऑल टाइम शी इज प्रीटी। अच्छा इन बातों का जरा हम हम नहीं पता। अच्छा ये बता दें, ये वैसे आपको पता होगा Who's my best friend? कैसे यार तू बोल, उनको ये तू बोल या उनको बोल तू जीती ना तू कैसे उसने मैं पहले बोल रही हूँ मामा कैसे पता नहीं क्या अच्छा माय बेस्ट कजन फ्रेंड मेरे कजनों के साथ बहुत दोस्ती है नहीं अम्मी को भी सुन रहे अम्मी को भी सुन बोलने सुने तो माय बेस्ट कजन फ्रेंड कौन है मेरे कजन मेरे सब कजनों के साथ बड़े अच्छे आमर आमर है जैन भी है जैन भी है आमिर भी है असद भी है। अच्छा मेरे क्योंकि सारे कजन फ्रेंड बड़े सारे सारे क्लोज हैं बट आमिर अमंग द मॉल आता है फिर उसके बाद सारे वन बाय वन आते हैं और सारी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट बड़ा प्यार करते हैं सारी मेरे लिए बड़े डियर है भाई कोई माइंड ना करना सब एक ही लाइन में मेरे लिए और ये बताए मेरा फेवरेट मेंबर कौन है घर पे अच्छा आप लोगों के अलावा आपके अलावा मामी हाँ यू कैन से मामी ये सवाल कट कर दे नहीं ठीक है मैंने गाना ही नहीं खेलना अच्छा नहीं मैं शादी हो सकती है भाई मैं ये नहीं कह रही नहीं लेकिन ये भाई के साथ सवाल मेरे ये भाई कौन नहीं है जो ब्लॉग में नजर आ रहे हैं भाई के साथ और क्या सवाल पूछे औलाद के जवाब तो हो गए फौरन नहीं बोलते पहले बड़ा बोलते है फिर छोटा बोलते ये काटा ना वैसे ही मैं कह रही हूँ कि पहले बड़े बोलते हैं फिर छोटे बोलते हैं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं अच्छा लाडली है ना इसलिए इसको कुछ कहती नहीं हूँ मैं कहाँ कर रही हूँ अच्छा अच्छा बात सुने सवालों के जवाब तो दे दिए अभी मैं देखूंगा कैमरे में मुझे लगता है अम्मी ने ज्यादा सवाल जवाब एक्यूरेट दिए बनता भी था क्योंकि मेरी वालदा थी अच्छा बेक एक दो दो सवाल मेरी एक अच्छी बात एक बुरी बात अच्छी बात ये है कि ये हमदर्द है और लोगों की हेल्प करता है जो कि बताता भी नहीं है देखें ये यूट्यूब पे दिखाना तो इसलिए होता है कि लोग अल्लाह ताला कहते हैं कुछ दिखाकर लोग कुछ छुपाकर ये तो एक मतलब समझे ना एक वो है इसको क्या कह सकते हैं एक काम अभी मैं आपका आपकी सॉरी ये बताता हूँ जो अम्मी ने कहा ना दिखाकर छुपाकर क्योंकि लास्ट हमारे लोगों ने सवाल किए हुए थे ये देखिए मुझे एक अभी रिसेंटली किसी का कमेंट आया हुआ था मेरे व्लॉग पे जाके देखिए दो तीन पुराने आप व्लॉग्स पे जाके देखें कि किसी ने कहा था कि भाई आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर जेस्टर के द वे यू वो आपने कूलर इंस्टॉल किया वाटर कूलर तो उसने कहा कि मैं भी वाटर कूलर लगवा रहा हूँ वो मेरी इतनी सी देख के किया उसको देख के आगे कोई इंस्पायर होगा और मैं भी किसी को देख के मैं अपनी वालदा मेरी मैं बचपन से देख रहा हूँ कि अगर इनके पास जितना भी हुआ मसलन हुआ ना कि बात देखें अप्स एंड डाउन सबके साथ ही होते हैं देखिए हमजा ने बड़ी अच्छी बात पहले भी एक व्लॉग में की थी कि किसी का भला ही होता है ना देख के हम किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे ना अगर अच्छे काम दिखाते हैं तो ये जो मीडिया बना है ये सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं बना ये अच्छी चीजें जैसे कि कुरान की तलावत कोई लगा देता है कोई मौला का कॉल लगा देता है जैसे करबला का वाकया कई बच्चों को नहीं पता मैंने अपने छोटे बच्चों को भी ये कहा है के बच्चों बैठा के सारा करबला का उनको बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे उनके नाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं बच्चों को बताओ और मैंने उनको चैनल वो बताए कि आप ये चैनल देखें आपको सारा वाकया करबला अच्छा, का पता चल जाएगा अब एक बुरी बात बताएं हाँ बुरी बात ये है अच्छी बात ये है हेल्प करता है और जिनकी करता है बताता नहीं है मुझे कभी भी नहीं इसने ना पूछा है ना बताया बुरी बात ये है कि इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता था बिल्कुल पहले नहीं हमजा को आता था बिल्कुल अब आता है हमजा को पहले कभी गुस्सा नहीं आया अब हमजा को गुस्सा आ जाता है लेकिन फौरन माफी मांग लेता है जिसके साथ भी गुस्सा करे ना हाइपर हो जाता है तो
पता नहीं अब ये क्या है, ऐसा ऐसा है नहीं हमजा, ना था मैं आपके साथ तो कभी नहीं, नहीं मेरे तो नहीं कर सकते, जाहिर है माँ बाप के साथ तो नहीं कोई कर सकता, गलत बात पे आ जाता है, लेकिन मैं बाद में बोलती हूँ, लेकिन मैं ये भी एक बताती हूँ, गलत बात पे गुस्सा आना मोमेंट नहीं, गलत बात पे गुस्सा आना गैरत की निशानी है, और उसी गुस्से को पी जाना मोमेंट की निशानी है। पी जाऊंगा आगे। अच्छा जी तुसी दसो एक अच्छी एक बुरी जो अम्मा ने कही है वही है। नहीं बताओ खुल के बताओ, आजादी है तुम्हें बता। नहीं अच्छी हुई यार बता सही, सही, नहीं जो अम्मा ने की वही है, मेरे सामने भी वही है, जाहिर है मैं घर में रहते हैं तो आप मुझे भी जो बातों का पता है वही उसी को पता है। सही है बता दे कोई अभी है तो बात नहीं। चले जी उम्मीद करता हूँ अच्छा हो गया, सारे सवाल सही हो गए, मजा आया आप लोगों को बनाने, अच्छा था वैसे ये तो उनको आना चाहिए मजा जो देखे, तो अगर हमें आएगा तो सब्सक्राइब करें, मुफ्त में कोई ना देखे। इतने इतने लोग व्यूज इतने अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छा जी उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको आया होगा पसंद, और अगर व्लॉग पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना है, इग्नोर करें इस टाइम पीछे का साउंड, इन्होंने मेरे दिमाग की देखी हुई है, और बहुत से लोग ऐसे हैं यार जो सब नॉन सब्सक्राइबर हैं व्लॉग देखते हैं, 60% आवाम ऐसी है अभी भी जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन व्लॉग सबसे पहले आके देखते हैं, तो भाई लोग रिक्वेस्ट है अगर आप व्लॉग देखते हो तो क्या मसला है सब्सक्राइब करते हैं कि प्लीज जाएं सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ उससे मेरा फायदा हो जाएगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि व्लॉग तो आप वैसे ही देख रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब कर लेंगे तो आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, कमेंट नहीं किया तो फौरन से पहले लाइक और कमेंट करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको बहुत जल्द बल्कि कल नए व्लॉग के साथ, मुझे इजाजत दें आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।